नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। दिल्ली विधानसभा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का मुद्दा फिर से उठा है। विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करने की मांग क्यों हो रही है, इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देना चाहिए ताकि सभी लोग इसे आसानी से देख सके। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब वो लोग दारू पर शोर नहीं करते हैं क्योंकि कश्मीर फाइल्स आ गई है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर कुछ लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है? विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। बोलो क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया, 8 साल खराब कर दिए। बताओ विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है? बचा लो, बचा लो, बचा लो। उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन को लेकर लोक भवन में विधायक दल की बैठक जारी है। बैठक में अमित शाह मौजूद हैं, सह प्रवेक्षक रघुवर दास के अलावा बीजेपी के 255 और बाकी सहयोगी दल के विधायक भी बैठक में मौजूद, जिसमें सुरेश खन्ना ने योगी के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया है और कल शपथ ग्रहण होगा। भव्य तैयारियां की जा चुकी हैं, चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने, योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लग चुकी है, सुरेश खन्ना ने प्रस्ताव रखा और इसके बाद विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ को चुना गया है। तो यूपी में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है और कल लगातार दूसरी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं लखनऊ में कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि सभी अधिकारी इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए मौजूद हैं। तो इकाना स्टेडियम में लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई, साथ ही प्रशासन भी समारोह की निगरानी में लगा हुआ है। तो इकाना स्टेडियम में भव्य समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हजारों लोग, या ये कहें कि लाखों लोग और पूरा देश प्रदेश जो है कल योगी आदित्यनाथ की शपथ का गवाह बना हुआ नजर आएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। मेरठ गाजियाबाद एमएलसी की सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चली गई है, जिस पर सुनील रोहटा को आरएलडी ने अपना प्रत्याशी बनाया। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी देते हुए नजर आए। बरेली के बिशारतगंज के सिरौली इलाके में गड्ढे में बाइक जाने से बड़ा हादसा हो गया।
बाइक गड्ढे में गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से परिवार में कोहराम है, जिसके बाद घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बरेली का ये पूरा मामला है, जहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं और इसी वजह से एक बड़ा हादसा यहाँ हो गया है। दरअसल बरेली के बिशारतगंज के सिरौली इलाके का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि सड़क में गड्ढा था, जिसकी वजह से बाइक पर सवार 3 लोग जो हैं अनियंत्रित हो गए और एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं 3 सदस्यों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से परिवार में चीख पुकार मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है, जिसके बाद घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को भी दी। मौके पर पुलिस पहुंची है, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। तो बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर सड़कों में गड्ढे नजर आ रहे हैं और इन्हीं गड्ढों की वजह से एक पूरा परिवार उजड़ गया है। बरेली के बिशारतगंज के रिसौली इलाके का ये पूरा मामला, जहाँ पर परिवार के 3 सदस्य बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी अचानक सड़कों में गड्ढों की वजह से बाइक अनियंत्रित हो गई और 3 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आसिफ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढे अब जानलेवा हो रहे हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है, प्रशासन क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो है औला के सिरौली इलाके का है। एक परिवार जो था बिशारतगंज से रामपुर की तरफ जा रहा था, उस बाइक पर 5 लोग सवार थे। फिलहाल गड्ढा होने की वजह से गड्ढे को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। गड्ढे इस बीच पिता और बेटी और बेटा इसमें मौके पे ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने 3 का सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि उनकी माँ जो है और एक बेटी है वो जिला अस्पताल में इस समय जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। आसिफ, देखिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए। सरकार ये कहती है कि हमने सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त कर दिया है, लेकिन बरेली की ये सड़कें जानलेवा हो रही हैं। अब तो लोगों की जान भी जा रही है, कब ये सड़कें दुरुस्त होंगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, बरेली की जो सड़कें हैं उनके जो हालात अगर देखी जाए, ग्राउंड जीरो पे अगर बात की जाए, तो लगातार जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। भले ही सरकारी फाइलों में सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया हो, लेकिन जो बिशारतगंज में जो हादसा है आया है, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि केवल गड्ढों को फाइलों में दफन किया गया है, ना कि धरातल पर उन गड्ढों को काटा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाती है और जिला प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधा है, क्योंकि अभी तक उस गड्ढे को काटा नहीं गया है, साथ ही साथ किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल आसिफ, और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रही है, क्या कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पहुंचा? अभी तक की जिस तरीके से दिनों से लगातार बात हो रही है, उनकी मां जिला अस्पताल में इस समय जिंदगी और मौत से लड़ रही है, तो उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि आज मेरे परिवार में शौहर मैंने अपने खोया है, अपने बच्चों को खोया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है, आगे ये भी कहा है कि उस गड्ढे को पाटा जाए, जिससे और कोई परिवार उस गड्ढे का शिकार ना हो। ठीक है आशिफ, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, लेकिन आप नजर बना के रखेगा, अपडेट लगातार आपसे हम इस पूरे मामले में लेते रहेंगे। तो बरेली का ये पूरा मामला है, जहां पर ये कहा जाता है कि सड़कों को पूरी तरह से हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन यही गड्ढा जो है वो अब एक परिवार के लिए मुसीबत बन गया। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और इसके बाद कोई भी अधिकारी यहां नहीं पहुंचा, हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि जो महिला है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही हमीरपुर के सरीला विकास खंड में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। प्राथमिक स्कूल के एक शिक्षक ने कक्षा 1 में पढ़ने वाली एक बच्ची को पीटकर स्कूल से बाहर भगा दिया। जब परिजन इसकी शिकायत करने स्कूल पहुंचे, तो शिक्षक ने परिजनों से अभद्रता करते हुए उनको भी भगा दिया। शिक्षा की दबंगई यही खत्म नहीं होती, इसके बाद मीडिया कर्मी की तरफ से जवाब मांगने पर उसके साथ भी शिक्षक ने अभद्रता करते हुए स्कूल से बाहर जाने की चेतावनी तक दे डाली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस मामले में शिक्षक की तरफ से डांट फटकार के शब्द होकर परिजनों ने खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, तो हमीरपुर की तस्वीरें और ये वीडियो देखिए, जहां मानवता पूरी तरह से शर्मसार होती हुई नजर आई है। बताया जा रहा है कि 1 क्लास की मासूम थी, जिसे
पीट कर स्कूल से भगा दिया गया। जब अभिभावक यहां पहुंचे हैं तो उन्हें भी फटकारा गया है। छोटी वाली सिस्टर स्कूल गई पढ़ने करने पर साला में, तो माँ साहब ने थप्पड़ मारा, थोड़ा कलर कपड़े में लगी थी। तो हम जब गए माँ साहब के थे कि माँ साहब क्या आवाज थी, माँ साहब करे आप मेरे से फालतू बात मत करो, जिसे करना हो कर लेना, आप कार्रवाई जैसे करनी है। इसमें श्री विनय कुमार जी हैं, अभी इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें इन्होंने बताया है कि उनकी छोटी बहन है जो विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में काम करती है, तो उनके साथ जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने उसे मार देने की शिकायत करी, थप्पड़ मारा, तो अभी इन्होंने शिकायत करी है तो सब प्रकरण संज्ञान में आ गया, मैं इसकी जांच करूँगा और जैसे स्थिति पाई जाएगी दोषी तो उसी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अब्दुल सदकी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अब्दुल, ये पूरा मामला किस तरह से, पहले पूरा मामला समझाइए। जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है सरीला क्षेत्र का है, उपहरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पे कन्या प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक में छात्र पढ़ती थी। तो ड्रेस को लेकर के शिक्षा जो वहाँ पे टीचर है उन्होंने उस बच्चे को मारा है और उसको वहाँ से भगा दिया है। उसके बाद जब उस बच्ची का उस लड़की का मतलब भाई आया है तो उससे भी अभद्रता करी गई है और उसको भी भगा दिया गया है। फिर उसके बाद जब मीडिया कर्मी वहां गए हैं, उन्होंने बातचीत करना चाही तो उनसे भी अभद्रता करी गई और उनको भी बाहर भगा दिया गया और बोला गया है कि आप जो कर पाए वो कर लीजिए। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले में जो खंड शिक्षा अधिकारी है उनकी तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं, क्योंकि लिखित शिकायत भी यहाँ दी गई है परिवार की तरफ से। जी उन्होंने शिकायत दी है, तो खंड शिक्षा अधिकारी जो विनय कुमार है उनका ये कहना है कि मैं इस चीज की पूरी जांच करूंगा और जांच करके अगर इस पे टीचर दोषी पाए जाएंगे तो उसकी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाएगी। जी अब्दुल, क्या टीचर से बात करने की कोशिश हो पाई है? जी टीचर जो है वो मीडिया कर्मी से बात नहीं कर रहे हैं, वो उनसे अभद्रता करके उनको भगा रहे हैं। आपने देखा होगा शायद उस पे कि जब मीडिया कर्मी अंदर गए हैं तो उन्होंने बाहर भगा दिया है कि हमसे फालतू की बात मत करिए और जाइए आप यहाँ से। ठीक है अब्दुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हमीरपुर का ही पूरा मामला है, सरीला गांव का, जहां पर एक मासूम बच्ची जो कि पहली क्लास में पढ़ती है, टीचर ने इसलिए उसे थप्पड़ मार के स्कूल से भगा दिया क्योंकि वो स्कूल ड्रेस में नहीं थी। परिजन पहुंचते हैं, परिजनों को भी वहां से भगा दिया जाता है। जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी वहां से भगा दिया जाता है, साथ ही साथ चेतावनी दे दी जाती है। हालांकि खंड शिक्षा अधिकारी विनय कुमार से लिखित शिकायत परिजनों ने दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर शिक्षक दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो यूपी बोर्ड परीक्षा के तहत कन्नौज में इस बार 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 48,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। हाई स्कूल में 26,139 और इंटर में 22,335 परीक्षार्थी थे। जिले के 10 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई थी। सचल दल और DIOS लगाकर लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया, तो वहीं नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर भी रखी गई थी। वहीं लखनऊ में ACS सूचना और वरिष्ठ IAS अधिकारी नवनीत सहगल ने यूट्यूब चैनल चलाने वाले एक पत्रकार पर मुकदमा दर्ज कराया है। हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप है कि पत्रकार ने भ्रामक समाचार चलाकर उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश रची। इसी के तहत वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर चलाया, वहीं ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर उनको बदनाम करने की कोशिश की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो यूपी बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हुई, लखनऊ में 2 पाली में आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं। हाई स्कूल और इंटर में करीब 9,00,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा देने के लिए आज पहुंचे थे। पहली पाली सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी, जिसमें हाई स्कूल के छात्रों ने हिंदी और प्रारंभिक हिंदी का प्रश्न पत्र हल किया, तो वहीं इंटर के छात्रों ने सैन्य विज्ञान की परीक्षा दी, जिसमें छात्रों की संख्या कम है, जहाँ परीक्षा में प्रवेश से पहले छात्रों की चेकिंग भी की गई। बता दें कि दूसरी पाली में हाई स्कूल की कोई परीक्षा नहीं है, इंटर के छात्र हिंदी की परीक्षा देने पहुंचे थे। बता दें कि 4,00,000 से ज्यादा हाई स्कूल में और 4,00,000 से ज्यादा इंटर के बच्चे परीक्षा देने पहुंचे, जहां 126 सेंटर्स बनाए गए थे।
परीक्षाएं यहाँ से शुरू हो चुकी हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं यहाँ से शुरू हो चुकी हैं, जिसमें अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 के बाद एक साल के बाद लगभग परीक्षाएं आज से फिर से शुरू हो चुकी हैं, जिसमें 51 लाख छात्र छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। हाई स्कूल की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल में लगभग 27 लाख छात्र छात्राएं शामिल हैं, जिसमें से 15 लाख लड़के शामिल होंगे और 12 लाख लड़कियां शामिल हैं। वहीं अगर हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट में 24 लाख छात्र छात्राएं शामिल हैं, जिसमें से 13 लाख 24 हज़ार छात्र शामिल होंगे, जिसमें से 10 लाख 86 हज़ार छात्राएं शामिल होंगी। अगर हम बात करें तस्वीरों की, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से सुरक्षा बल चाक चौबंद व्यवस्था तैयार है, कि पुलिस की मौजूदगी रखी गई है। अगर हम बात करें निगरानी की तो निगरानी की बात करते हैं तो CCTV की मदद से निगरानी की जा रही है। वहीं पर सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराने का जो निर्णय लिया गया है वह पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षा होगी, जिसमें CM योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट कर यह भी कहा है कि सारी छात्र छात्राओं को, हमारे यूपी के सारी छात्र छात्राओं को परीक्षा की बहुत अधिक शुभकामनाएं। मैं तिवारी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ लखनऊ। तो वही यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर प्रशासन भी आज पूरी तरह से अलर्ट नजर आया, कड़ी निगरानी भी रखी गई थी। इसी के तहत लखनऊ में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने सभी सेंटर्स का निरीक्षण भी किया, वहीं जुबली इंटर कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, साथ ही बच्चों को फूल देकर उनका स्वागत भी यहां पर किया गया था। लखनऊ में पेट्रोल के दामों में पिछले 2 दिनों में 80 पैसे की बढ़त हो गई है। वहीं इस बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता की जेब पूरी तरह से खाली होती दिखाई दे रही है। चुनाव के बाद एक बार फिर महंगाई ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। वहीं जब इसको लेकर आम लोगों से बातचीत की गई तो लोगों ने क्या कुछ कहा है बढ़ती महंगाई को लेकर, जरा सुनिए। पेट्रोल महंगा, सोना महंगा, महंगा हुआ मकान, दाल महंगी, दवा महंगी, सिर्फ सस्ती समझी जा सकती है जान। तरक्की का कैसा है बार, कई राज्यों में पेट्रोल 100 के पार। अगर हम पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों की बात करते हैं तो पिछले 2 दिनों में पेट्रोल की 80 पैसे बढ़ोतरी हुई है। इसी बढ़ोतरी को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम तेज किस रफ्तार में बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों का क्या रवैया है। पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों के प्रति रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या प्रभाव है? जो जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ पर देखो चल रहा है आपका, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ भी कुछ क्यों रोक रहा है। भाई इस समय 107 रुपये, 105 रुपये आप झारखंड में ले लें, राजस्थान में ले लें, वहाँ पर जो रेट है मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पेट्रोल के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए जा रहे हैं, आपका रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? असर पड़ता ही है, बट क्या है, मैनेज करना पड़ता है क्योंकि वो डिमांड है, वो गवर्नमेंट्स के हाथ में नहीं है। एक ग्लोबली अगर यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है तो लड़ाई चल रही है तो जाहिर सी बात है ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हाँ, इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इफेक्टिव होगा, उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो किसी कंट्रोल में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये नीड है बट कंट्रोल करना चाहिए। गवर्नमेंट कर भी रही है, गवर्नमेंट पॉजिटिव कर रही है तो डेफिनेटली मुझे लगता है अच्छा ही करेगी। फिलहाल अभी जो चल रहा है थोड़ा क्राइसिस का टाइम है बट मैनेज रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट लीडरशिप हमारी सही है, इसलिए सही होगा। थैंक यू। बढ़ते हुए दाम, पेट्रोल की बढ़ोतरी को लेकर के आप क्या, आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी पर उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सरकार के निर्णय लेने जो अच्छे लेते हैं।
वहीं मैनपुरी में एक युवक की गोलियों से भूनकर अज्ञात हमलावरों ने निर्मम हत्या कर दी। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वही युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। पुलिस हत्या के मामले की जांच कर रही है। ये मोहित यादव हैं, सुवाराम यादव के बेटा हैं, नगला हरकेसी के रहने वाले हैं, थाना बिछमा। और ये अपनी आड़त की दुकान किए हुए थे नगला हरकेसी पुराली मैनपुर रोड पर। शाम को करीब के टाइम में जो नारायणपुर केशवलाल मातृ चतुर्वेदी स्कूल है उसका फील्ड है, वहाँ लड़का क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ पे पता चला कि मोटरसाइकिल खड़ी है और दो तीन फायर हुए हैं। तब लोगों ने इधर उधर से जाके देखा तो यहाँ मरे हुए। क्या किसी से कोई रंजिश वगैरह? कोई गांव में तो कोई रंजिश नहीं कि लड़का बच्चा जो है ये सफारी तक नहीं खाता था कभी आज तक। किसी से इसकी कोई वैसी बात तो नहीं थी। अब पता नहीं किसने अंदर से दुश्मन मान के ये हत्या की है। भारती बताया जा रहा है, जो कि 20-22 साल की क्या था, बीस बाईस क्षेत्र का रहने वाला था। तो उसका नाना बाबू के पास में किसी अज्ञात लोगों ने गोली मार के हत्या की है। डेड बॉडी अभी आप पोस्टमार्टम हाउस पर है और देर रात तक तो तहरीर नहीं मिल पाई थी। घर वालों ने कोई उससे दुश्मनी भी नहीं बताई थी। FIR दर्ज ली गई और शीघ्र ही खुलासा इसका किया जाएगा। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुई लूट और गोली कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बता दें कि SP दिनेश कुमार ने इस मामले को लेकर 4 टीमों का गठन किया, जिसको लेकर बरखेड़ा थाना पुलिस को सघन चेकिंग अभियान में लगाया गया था। उसी समय मुखबिर की ओर से सूचना मिली कि गांव बहादुरपुर हुक्की को जाने वाले रोड पर कुछ संदिग्ध लोग मौजूद हैं, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश के साथ 4 और लोगों को धर दबोचा है। इसी के साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से मोटरसाइकिल और एक कार भी बरामद की है। देखिए, विगत दिनों में जो मंडे के दिन एक पेट्रोल पंप, तराई पेट्रोल पंप बरखेड़ा बिसलपुर हाईवे पे है, उनकी मुनीम रघुनंदन के साथ गोली मारकर लूट की घटना हुई है। रघुनंदन के पैर में गोली लगी थी। लगभग 1,65,000 के करीब कैश 3 अज्ञात बदमाशों ने लूट के फरार हुए थे। इसी क्रम में तुरंत FIR दर्ज किया गया है। घायल रघुनंदन को जल्दी से भर्ती करा के उनको जान बचाया गया है। और घटना के सफल अनावरण हेतु 3 अलग अलग टीम्स बनाए गए हैं। सपोर्ट के लिए सर्विलांस और SOG टीम्स भी लगाए गए हैं, जिसकी सफलता देर आज अर्ली मॉर्निंग 1-1.5 बजे के बीच में मिली, जिसमें कुछ अज्ञात बदमाश जो लूट में इन्वॉल्व हैं उनके संबंध में मुखबिर के सूचना के आधार पर SHO बरखेड़ा ने चेकिंग शुरू किया था। वहां पे पुलिस के ऊपर तुरंत जो संदिग्ध व्यक्तियों ने फायर किया, रक्षात्मक फायरिंग पे जो अपराधी है उनमें एक पैर में भी गोली लगी है और वो गिर पड़ा है। बाकी को गिरफ्तार किया गया। 3 टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें मन्नू प्रधान उर्फ अमित नाम के व्यक्ति मुख्य लूट की योजना कर्ता के रूप में प्रकाश में आए हैं, जो कि ये वहाँ के बगल के गांव के प्रधान हैं और काफ़ी देर वहाँ पेट्रोल पंप पे हमेशा बैठे रहते हैं, क्योंकि उनका पेट्रोल पंप के सारे मूवमेंट के बारे में पता था। उन्होंने अपने ही गांव के मुनेंदर, सूर्या और सूरजपाल, पूरन लाल, इनके साथ मिलके एक और अन्य अपराधी जो कि बरेली थाना बूता के रहने वाला है विमल गंगवार, इन सब लोगों के साथ मिलके योजना बनाई। और होली के तुरंत बाद जो कैश लेके जाते थे तो उनको, क्योंकि ये लोग खुद वहाँ बैठे रहते थे और उनको इनके सारे मूवमेंट पता था और पहचानते भी थे, तो उनको पीछे से ओवरटेक करके लूटने की प्रयास किया है और कुछ हद तक लूट में सफल भी हुए हैं। तो हमारे लूटा हुआ कैश में से 55,000 बरामद भी हुआ है। इनके कब्जे से अवैध असले भी बरामद हुए हैं। लूटा हुआ भी, लूट में प्रयोग किए गए गाड़ी भी पकड़े गए हैं।
पीलीभीत में बोर्ड परीक्षा के पहले दिन स्कूल प्रबंधन की मनमानी सामने आई है। बता दें कि पूरनपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में फीस जमा न होने पर छात्र को प्रवेश पत्र नहीं दिया गया, जिसके बाद परीक्षा केंद्र से मायूस होकर हाईस्कूल का छात्र बेरंग लौट गया। रुड़की में खानपुर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 100-100 रुपए की करेंसी के साथ 50,000 रुपए और प्रिंटर भी बरामद किया। बता दें कि शातिर अपराधी यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदारों से नकली नोट देकर जरूरत के सामान खरीदते थे। पुलिस ने घटना में शामिल एक कार भी बरामद की। कन्नौज के तालग्राम ब्लॉक के कुशलपुरवा के कंपोजर स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर मिड डे मील का खाना ले रहे दो छात्र खौलती दाल के भगोने में जा गिरे। वहीं खौलती दाल में गिरने से दोनों छात्र बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसके बाद दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों के परिजनों ने स्कूल के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गोरखपुर विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई, जहां डीएम विजय किरण आनंद ने अपने कार्यालय से जागरूकता के लिए मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि क्षय रोगियों के प्रति जागरूक होते हुए जिले में जो भी लोग सक्षम हो वो उनको गोद लें। आज शासन के निर्देशों के क्रम में क्षय रोग उन्मूलन के कार्य लिए अभियान का प्रारंभ किया गया है। जैसे हमारे सबकी मंशा है कि 2025 तक टीबी मुक्त गोरखपुर और प्रदेश और देश को करना है, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन आज प्रस्तावित है और आज से लगातार ये सिलसिला चलेगा। जितने भी हमें टीबी से आइडेंटिफाइड हमारे मरीज हैं, उन सबको गोद लेने के लिए हम लोगों ने प्रक्रिया प्रारंभ की है। अधिकारियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा और जन समुदाय से जुड़े हुए सभी लोगों द्वारा इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया जा रहा है और भी आगे किया जाएगा। और यहाँ पर जागरूकता फैलाने के लिए रैली का ये किया गया, सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च किया गया है और स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा सभी को जोड़ते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के कांकर टोला में 20,000 रुपये को लेकर शुरू हुए विवाद में दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वहीं इस फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और खास बात यह है कि ये फायरिंग पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई है। इससे साफ जाहिर है कि दबंगों में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज दिनांक 23 मार्च 2022 को समय रात्रि के लगभग 11 बजे के आसपास में एक वादी जो है वो जिनका नाम मोहम्मद आतिफ अंसारी थाना क्षेत्र बारादरी के रहने वाले, उनके द्वारा थाना कोतवाली पर आकर एक तहरीर दी गई। तहरीर में उनके द्वारा बताया कि ये अपने कुछ दोस्तों के साथ थाना क्षेत्र कोतवाली के एक होटल में खाना खाने आए थे। खाना खाने के बाद में जब ये वापस जा रहे थे तो इनके एक मित्र जो इनके साथ में खाना खाया था, जिसका नाम मोहम्मद दानिश है, उसने इसके पैर में गोली मार दी और जिसको इलाज के लिए यहाँ पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी इनकी स्थिति ठीक है। इनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक तहरीर दे दी गई। तहरीर के आधार पर धारा 307 IPC के तहत में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो अभियुक्त नामजद अभियुक्त दानिश की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगा दी जा रही है और जो भी साक्ष्य इसमें पाए जाएंगे, CCTV कैमरे देखे जा रहे हैं, जो भी पाएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम सुनिश्चित कराई जाएगी। तो बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जहां दबंगों ने फायरिंग की, दरअसल ये पूरा मामला कांकर टोला का है। 20,000 रुपए की लेनदेन को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद में दबंगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। महज चौकी से चंद कदमों की दूरी पर यह पूरी वारदात हुई। कन्नौज में छात्रवृत्ति के लिए भटक रहे बीएड के छात्र और छात्राओं ने समाज कल्याण विभाग पर छात्रवृत्ति के फॉर्म रिजेक्ट करने का आरोप लगाया और डीएम राकेश कुमार मिश्रा को प्रार्थना पत्र देकर छात्रवृत्ति दिलाने की गुहार लगाई। डीएम ने परेशान छात्र छात्राओं को जांच कराकर जल्द छात्रवृत्ति दिलाए जाने का आश्वासन भी दिया है। और